हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। टेक्निकल बॉस सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ, जैसे आपने मतलब टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा, बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स फॉर गेमिंग। बहुत बंदे होते हैं जो गेमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगा एप्पल आईफोन एक्स। आईफोन एक्स में बायोनिक का 811 चिप है और मार्केट में ये सबसे फास्टेस्ट है एट प्रेजेंट, आज के दिन में। इसके मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता, आईफोन एक्स रैम है 3GB, रैम और रोम है 3GB 64GB वेरिएंट, डिस्प्ले है 5.8 1125x2436, प्रोसेसर है 2.39 GHz हेक्सा ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका। प्राइमरी कैमरा है 12+12 ड्यूल रियर है, फ्रंट है 7 MP, बैटरी है 2716 mAh, 2716 mAh SoC है एप्पल का एप्पल 11 बायोनिक, अवेलेबल है पेटीएम अमेज़ॉन पे। फिर नेक्स्ट पे है एप्पल का ही आईफोन 8 प्लस, वही है A11 बायोनिक चिप। पर इसके स्पेसिफिकेशंस हैं आपके रैम और रोम है 3GB 64GB एंड 256GB 64GB और 256GB का ये है। डिस्प्ले है 5.5 इंच 5.5 फुल HD 1080x1920, प्रोसेसर है हेक्सा ऑपरेटिंग सिस्टम, है iOS। स्पीड में बोल रहा हूँ तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि हेक्सा ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसर, नहीं, वो स्पीड में निकल जाता है। 12+12 MP वही है आईफोन एक्स जैसा, फ्रंट कैमरा भी वही है 7 MP, बैटरी है 2691, थोड़ा सा कम है। एसोसिएट एप्पल का A11 बायोनिक, पेटीएम अमेज़न टाटा क्लिक में मिल जाए। फिर थर्ड ऑप्शन पे है आपका 1+6, अच्छा है गेमिंग के लिए, अच्छा है कैमरा के लिए, अच्छा है और डिज़ाइन के लिए भी, अच्छा है बैटरी लाइफ के लिए भी, अच्छा है। 1+6 आपका आता है 6GB रैम 64GB रोम, डिस्प्ले है 6.28 1080x2280 रेजोल्यूशन, प्रोसेसर है ऑक्टा कोर, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड समथिंग, आपका नोकट या ओरियो है, कमेंट कीजिए मेरे को इतना याद नहीं है। कैमरा है आपका 16+20, अच्छा कैमरा है भाई, उससे बहुत अच्छा है, वो कुछ देर पहले जो गए आईफोन उनसे बहुत अच्छा है, बट बहुत लोगों के ब्रांडिंग के ऊपर ही खरीदते हैं। बैटरी भी अच्छा है 3300, क्वालकॉम का SDM 845 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो स्नैपड्रैगन 845 बहुत अच्छा प्रोसेसर है मेरे, अगर मेरे माने तो अच्छा प्रोसेसर है, लैगिंग आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर चौथे नंबर पे है आपका गैलेक्सी S9 प्लस, अच्छा कुछ दिन पहले S9 प्लस, ये तीन इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो है आप कह सकते हैं बेजल डिस्प्ले, बेजललेस और 18:9 रेशियो स्क्रीन रेशियो वाला डिस्प्ले है, QHD डिस्प्ले, बहुत अच्छा है वो दिखने में, बहुत बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा नोट कीजिए उसके, अगर आप उसके अनबॉक्सिंग वीडियोज़ भी देख लें यूट्यूब में, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा लगता है मुझे S9 प्लस। सैमसंग गैलेक्सी S9 के स्पेसिफिकेशन है रैम एर रोम 6GB 64GB, डिस्प्ले 6.21440x2960 रेजोल्यूशन, प्रोसेसर है आपका ऑक्टा कोर, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ओरियो, 12+12
एट मेगापिक्सल फ्रंट और रियर जो है 12+12 3500 mAh एक्सिनोस का SoC है, अवेलेबल ओनली एट Amazon। फिर सोनी एक्सपीरिया XZ1 विथ फुल HD डिस्प्ले एंड सम बैकग्राउंड एनहांसमेंट। सोनी एक्सपीरिया XZ1 स्पेसिफिकेशंस एंड रैम स्टोरेज 4GB 64GB डिस्प्ले 5.2। एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता जो है आपका सोनी के कुछ स्मार्टफोन्स में, बहुत लोगों को लग भी नहीं सकता बट मेरे को लगता है, क्योंकि उसके जो मतलब उसके जो मतलब ईयर पीस या हो या उसके नेविगेशन ऑन स्क्रीन दिया गया है, फिर भी बहुत इसे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सोनी बहुत प्राइसिंग में बेच रहा है बट उसके लुक्स मेरे को पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है बट आपका नज़रिया भी बदल सकता, मतलब अलग होगा, दूसरा होगा, आपको पसंद होगा तो आप मुझे कमेंट में मत बताएं, मेरा खुद का जो ये है उससे मैंने बोला। फुल HD डिस्प्ले है सोनी एक्सपीरिया XZ1, स्पेसिफिक रैम और रोम है 4GB 64GB डिस्प्ले 5.2 1080, मतलब फुल HD डिस्प्ले है, प्रोसेसर है 2.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, प्राइमरी कैमरा है 19 MP, फ्रंट है 13, बैटरी है 2700, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, SoC। तो फिर आता है एप्पल iPhone 7s, मतलब ये चीज़ आप देख सकते हैं आईफोन का जो iPhone 7 Plus है बहुत अच्छा दिखने वाला फ़ोन है, मतलब iPhone X से मुझे ये फ़ोन अच्छा लगता है क्योंकि इसके जो बट मतलब जो अब बहुत लोग बहुत मतलब जो एज़ पर एप्पल के iPhone प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक मतलब होम बटन होता है, नोट कीजिएगा, मतलब iPhone X पे नहीं है बट है होते थे, तो उस फील को देखिए अगर आप iPhone के पुराने को देखें तो वहाँ पे होम बटन होना चाहिए होते हैं, तो इसकी वजह से मेरे को अच्छा लगता है और इसका प्रीमियम लुक है। और इसे ये तो 01 अवार्ड विनर है 2016 एप्पल iPhone 7 Plus फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्मार्टफोन्स कैमरा, इस कैमरा में बहुत भाई वीवो ओप्पो को हरा देगा ये बंदा, भाई पैसा भी लगता है। बता दूँ स्पेसिफिकेशंस 3GB 32GB एंड 128GB वेरियंट में मिलेगा आपको, डिस्प्ले है 5.5 फुल HD, प्रोसेसर है 2.34 GHz क्वाड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वाड कोर प्रोसेसर है, iPhone 7 क्वाड कोर प्रोसेसर है इसलिए उसे कैमरा में मिला, वही है। फिर आता है गैलेक्सी नोट 8, वही है 64 GB 613। अब देख सकते हैं बैटरी है 3100, 12+12 8 MP फ्रंट, गूगल पिक्सल है, उसके बाद गूगल पिक्सल को बहुत पीछे कर दिया गया, गूगल पिक्सल 2L इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज़ इनक्रेडिबल स्मार्टफोन, इज़ अ फ्लैगशिप क्वालकॉम और ओरियो के साथ आता है। गूगल पिक्सल स्पेसिफिकेशंस है 4GB 64GB 128GB डिस्प्ले है 5 inch फुल HD ऑक्टा कोर प्रोसेसर 12.2 MP फ्रंट कैमरा 8 MP बैटरी है 2700 स्नैपड्रैगन 835 Amazon गैलेक्सी S8 ये भी अच्छा दिखने वाला 8:9 रेशियो वाला डिस्प्ले है इन्फिनिटी लुक के लिए। तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशन है 4GB 64GB डिस्प्ले है 6.2 1440 2960 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड्रॉयड में रन करता है, 12 MP फ्रंट 8 MP फ्रंट 12 MP प्राइमरी फ्रंट है आपका 8 MP बैटरी है 3500। फिर Xiaomi Redmi Note 5 Pro ये भी अच्छा खासा है गेमिंग के लिए,
तो शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो 4 GB 64 GB 5.99 1080 × 2160 स्क्रीन रेजोल्यूशन 1.8 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड्रॉयड 12+5 20 MP बैटरी 4000 mAh स्नैपड्रैगन 636 अच्छा है ठीक है तो मेरे